नमस्कार, वेलकम टू द विजन 2.0। मैं हूं दीपक कुमार और आज आप सभी गैलेक्सी M12 के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज इस मोबाइल के फीचर्स के बारे में। देख रहे हैं गैलेक्सी M12 है, चलिए आइए इसके फीचर्स के बारे में आज अनबॉक्सिंग करते हैं। लेट्स गो एंड ओपन द बॉक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा गैलेक्सी M12 फोन है, मैंने आज ही इसको परचेज कराया, जस्ट अभी कुरियर आया था, मैंने इसको देखा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि अभी इसका खोल से कवर है, ये इसके USB केबल है, ये आपको चार्जर है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये हमारा फोन है। तो फाइनली आइए हम इसे निकालते हैं इस कवर से। सो जैसा आप देख चुके हैं, अभी इस फोन का हम अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, अब हम इसका इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, इसके फीचर्स बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये फोन है, ये फोन पे 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में मोनोक्रोम है 2 मेगापिक्सल का, मैक्रो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का, और वाइड एंगल कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और इस पे 6000 mAh की बैटरी है दोस्तों। अब हम चार्जर के बारे में बात कर रहे हैं, ये अडैप्टर है, ये 25 वॉट का चार्जर है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, साथ में दिया गया है USB-C टाइप का केबल। अब ये इस फोन के बारे में मैं कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। इस फोन का डिस्प्ले है वी इन्फिनिटी डिस्प्ले, सैमसंग की तरफ से दिया गया है। इस पर एंड्रॉयड 11.0 का सपोर्ट है, साथ में इसका 8nm का प्रोसेसर इसमें दिया गया है। इसका जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों वो है 8 मेगापिक्सल का। जैसा कि दोस्तों मुझे लग रहा है ये फ़ोन काफ़ी लाइट वेट है, इसका जो रीज़न है वो इसका प्लास्टिक बैक पैनल है जो इसको काफ़ी रेस वेट बनाता है। इसका जो वेट है वो 221 ग्राम्स के अबाउट है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया था, इसका जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा है। अब मैं कुछ सैंपल दिखाने जा रहा हूँ। ये जो सैंपल आप देख रहे हैं ये वाइड एंगल से दिया गया फ़ोटो है, और ये जो फ़ोटो है ये रियर कैमरा से दिया गया फ़ोटो है। चलो दोस्तों अब हम इसके कुछ सेटिंग के बारे में जानते हैं। ये जैसे कि देख रहे हैं आप सैमसंग गैलेक्सी M12 है, उसके कुछ सेटिंग इस प्रकार से हैं। एंड्रॉयड वर्जन 11.0 का दिया गया है, वन UI है इसका 3.1, बेसमेंट वर्जन M12 आगे दिया हुआ है। दोस्तों मेरे हिसाब से ये जो फ़ोन है ये सैमसंग के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया है, जो आपको काफ़ी सारे फीचर्स दे रहा है। जो ये फ़ोन जो वेरियंट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 464 GB, इस पर एक और वेरियंट आता है जो 6128 GB वाला आता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी जो MRP है वो 1239 रुपीज़ है, और अमेजोन में आप इसको 11200 में ख़रीद सकते हैं। आपका बजट अगर 10,000 से 12,000 के आसपास का है तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सैमसंग का जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छा है ओवरऑल इंडिया, तो सर्विस भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी, और ये फ़ोन मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा अगर आपका रेंज 10,000 to 12,000 के अराउंड है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।